एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज एनएसटी। सो फटाफट से आज हम देख रहे हैं बेलार्ड स्केल। मेरे पास एक कमेंट आया था, दैट्स व्हाई मैंने इस टॉपिक को पिक किया है। बेलार्ड स्केल हम गेस्टेशनल एज को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, यूज टू एसेस द गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज, अब गेस्टेशनल एज हम किसे बोल रहे हैं? प्रेगनेंसी का जो भी टाइम पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं गेस्टेशनल पीरियड। और उसी टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बेलार्ड स्केल का। ठीक है, इट मींस कि गेस्टेशनल एज को हम मेजर करते हैं थ्रू द बेलार्ड स्केल। इसे हम बोल रहे हैं न्यू बेलार्ड स्केल। न्यू बेलार्ड स्केल, इसमें 10 to 50 तक स्कोरिंग होती है। अगर स्कोरिंग लो हो, मतलब बिलो 10 हो, इट मींस कि जो फीटस है वो प्री मेच्योर है। अगर 10 से 50 तक के बीच में स्कोरिंग आती है, इट मींस कि जो फीटस है वो फुल टर्म है। एंड 50 से अबव हाई स्कोरिंग आती है, इट मींस कि जो फीटस है वो पोस्ट मैच्योर हो गया है। ठीक है, पोस्ट मैच्योर। जितना भी एक नॉर्मल गेस्टेशनल पीरियड होता है, मतलब 40 वीक्स का गेस्टेशनल पीरियड होता है, गेस्टेशनल एज होती है, अगर 40 वीक्स से भी वो एक क्रॉस कर जाता है 40 वीक्स को, इट मींस कि जो फीटस है वो पोस्ट मैच्योर है। और ये हम पता लगा पाएंगे बेलार्ड स्केल के थ्रू। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं, न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी, न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी एंड फिजिकल मैच्योरिटी। इसके अंदर हम देखते हैं न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी एंड फिजिकल मैच्योरिटी। अब न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी देख रहे हैं, इसके अंदर हम कौन कौन से फीचर्स को देखते हैं, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के बारे में। सो इसे आप एक निमोनिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं, जो कि है SHARPPS। इस निमोनिक के थ्रू आप इसे लर्न कर सकते हो, चाहे वो न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी हो या फिजिकल मैच्योरिटी हो, दोनों के अंदर ही 6 कॉम्पोनेंट्स का यूज किया गया है, 6 फीचर्स आते हैं, 6 इंडिकेटर्स आते हैं। सो S स्टैंड्स फॉर स्क्वेयर विंडो, स्क्वेयर विंडो। अब स्क्वेयर विंडो नाम दिया गया है डिग्री ऑफ रिस्ट फ्लेक्शन को। डिग्री ऑफ रिस्ट फ्लेक्शन हम इसमें देखते हैं, डिग्री ऑफ रिस्ट फ्लेक्शन। ठीक है, आर्म के टुवर्ड्स रिस्ट कितनी फ्लैक्स हो रही है फीटस की, तो वो हम देखते हैं स्क्वायर विंडो के थ्रू। एच स्टैंड्स फॉर हील टू ईयर, हील टू ईयर हम असेस करेंगे। ए आर स्टैंड्स फॉर आर्म रिकॉयल, आर्म रिकॉयल। पी स्टैंड्स फॉर पॉपलीटियल एंगल, पॉपलीटियल एंगल के हम अंदर हम देखते हैं डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन, डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन। देन अगेन पी स्टैंड्स फॉर पोस्चर, इसमें हम बेबी का पोस्चर चेक करते हैं। एंड नेक्स्ट है एस, एस स्टैंड्स फॉर स्कार्फ साइन, स्कार्फ साइन नोट डाउन कर लीजिएगा। स्कार्फ साइन कैसे चेक करते हैं? एबिलिटी टू एक्सटेंड द फीटस आर्म अक्रॉस द चेस्ट, एबिलिटी टू एक्सटेंड फीटस आर्म अक्रॉस द चेस्ट। ठीक है, इसमें हम फीटस की एबिलिटी चेक करते हैं कि वो कितना अपनी आर्म को चेस्ट के अक्रॉस एक्सटेंड कर पा रहा है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्कार्फ साइन। तो इसमें आपके 6 इंडिकेटर्स आ गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकली हम क्या क्या चेक करने वाले हैं। ये न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी हो गई, फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर देख रहे हैं हम। फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर हम देखते हैं लेनुगो, लेनुगो हम बोल रहे हैं सॉफ्ट डाउनी हेयर को, सॉफ्ट डाउनी हेयर को हम लेनुगो बोलते हैं। अगर बेबी फुल टर्म है तो लेनुगो हमें प्रेजेंट मिलेंगे, प्रेजेंट इन टर्म बेबीज। और अगर बेबी प्री मैच्योर है, ठीक है, उसमें हमें लेनुगो एब्सेंट मिलने वाले हैं। स्किन, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्किन ड्राई है, स्मूथ है, स्किन का टेक्सचर हम चेक करते हैं, स्किन टेक्सचर। बेसिकली यहाँ पर हम देख रहे हैं स्किन टेक्सचर। नेक्स्ट है ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को एग्जामिन किया जाएगा यहाँ पर। ईयर लोब देखते हैं, ईयर के मसल्स में स्टिफनेस तो नहीं है, ये हम यहाँ पर एग्जामिन करने वाले हैं। जेनाइटल्स हम यहाँ पर चेक करते हैं, जेनाइटल्स ऑफ मेल एंड फीमेल। और हम इसमें देखते हैं प्लांटर सरफेस, प्लांटर, प्लांटर सरफेस देखते हैं, मतलब प्लांटर क्रीजेज हम यहाँ पर देखते हैं, जो भी क्रीजेज प्रेजेंट होती है सॉल ऑफ द फीट के अंदर, सॉल्स के अंदर जो भी क्रीजेज होती है, क्रीजेज इन द सॉल्स, वो हम यहाँ पर एग्जामिन करेंगे। तो इन इंडिकेटर्स के थ्रू हम पता लगा पाएंगे
इनके थ्रू हम स्कोरिंग देंगे, हम पता लगा पाएंगे कि बेबी जो है वो प्री मेच्योर है, पोस्ट मेच्योर है या फुल टर्म है। सो आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो बिलार्ड स्केल क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।